Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम फिर से दुबई वाली सिटी में। और गाइज आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा अभी के अभी। और गाइज यार आज तो मेरे पास सिर्फ 11 ही डायमंड बाकी हैं यार, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो चपाती भाई ने सामने गैराज खोला है, तो मैंने वहाँ पर गाइज लास्ट टाइम मैंने नौकरी शुरू की थी और मेरी नौकरी ये थी कि मुझे जगह जगह पर डिलीवरी करनी होती है। और मैं देखता हूँ भाई मुझे नेम टैग तो दिख रहा है चपाती भाई का, तो हेलो हेलो क्या हो रहा है? मैं वापस आ गया भाई, मेरे पास सिर्फ 11 डायमंड। सुबह से पहुंच जाते गैरेज खोला नहीं, पहले आए थे। मैं हूँ भाई। मैंने तू कौन? तू तोप है? मैं लोगी और जंगली आलमर पहन के आ गया जंगलों वाला। ये क्या है? ये चेन में ला रहा हूँ भाई, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है बहुत ज्यादा रेयर होता है। गाड़ी के पीछे ये चेनिया हम बाइकों पर लगाते हैं बाइक के बांधने के लिए ताकि चोरी ना हो, इसने अपने ऊपर ही बांध ली है। ये देखो ब्रो, जब से आप आयो गैरेज के अंदर पूरा धंधा मेरा बंदा हो चुका है। मैंने क्या किया भाई? यार कस्टमर ही नहीं आ रहा। अच्छा, आज कोई कस्टमर नहीं है? मेरे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अभी मैंने गैरेज खोला, अभी मुझे फोन कीवर्ड करने, देखते हैं क्या क्या ऑर्डर आते हैं। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। बेवकूफ चीनियों वाले आर्मर, पहले बात तो सुन ले। मैंने बात डायलॉग खत्म कहा किया है? रोल प्ले करना नहीं, मैंने खेल लिया यार। क्या क्या क्या? इसके बदले में चीनियों वाले आर्मर के ऊपर एक और तीर पड़ेगा। ओके तो अभी फोन कॉल आने वाली है, अगर कोई ऑर्डर आया तो मैं जाकर तेरे को ढूंढ लूंगा, ठीक है? सही है मैं जा रहा हूँ, मैं यही खाने वाली जगह पर हूँ, ठीक है? छेमर तो गाइस जब मैं सुबह उठा यार, तो मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ दो ही मटन है। नहीं यार, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, मेरे पास साथ में 11 डायमंड्स भी हैं। और मैंने सुना है कि ये जो पीछे लाइब्रेरियन है ना, इसने साइड वाला बिजनेस भी शुरू किया। और अभी पीछे तीर कैसे मारा भाई? निकल तेरी चोर कहीं के। कौन है? मैं मेरे गैरेज के अंदर चोरी कर रहा है ये तेरी बंदा। भाई लगता है चोरी हो रही है वहाँ पर। मेरे ये लॉगी वाला बंदा होगा। मैं नहीं हूँ। ये गांव के अंदर कोई गया है तीर मारने की कोशिश कर रहा है। मैं भी मार देता हूँ पीछे से तीर मार देता हूँ। इंसान पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं। पता नहीं अभी क्या सीन हुआ था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और ये क्या लिखा है? 1 मटन फॉर 1 डायमंड। अरे नाइस, क्या बात है। तो काम कर देता हूँ, मैं अपने 11 डायमंड दे देता हूँ। और एकदम से गाइस मेरे पास 13 कुक्ड मटन आ चुका है, लेकिन डायमंड तो सारे खत्म हो गए यार। और मुझे पता है ये लाइब्रेरियन रिफंड भी नहीं देता है यार। हेलो तेरी कौन बोला? हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ कोई है गांव के अंदर के? नहीं है, सारे मर गए हैं। हाँ ये रहा मैं, ये रहा। मेरे को काम करने के लिए दो बंदे चाहिए, कौन है ये? आ गया मैं, आ गया। मेरे को ये चेनियों वाला आर्मर उतार ले, पहले गर्मी बहुत पड़ रही है। ये लो भाई चेनियों वाला आर्मर उठा, निकाल दिया भाई। दो बंदे चाहिए काम करने के लिए, कोई और है? एक तो आ चुका, दूसरा तो नहीं है भाई, शायद कोई है ही नहीं। फिर तेरे को दो बंदों का काम करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तू एक बंदे का काम ठीक से करता नहीं है, दो बंदों का काम करने आएगा तू? मैं ठीक से करूंगा, मैं बोल रहा हूँ ठीक से करूंगा। चला जा फिर, आजा गैरेज के अंदर आजा, आज बहुत खतरनाक वाली जॉब है। तो गाइस आज हम डिलीवरियां करेंगे लैम्बोर्गिनीज की। और मैं तेरे को पहले कह रहा हूं, लैम्बोर्गिनी आ जा भाई। मैं तूने बात कर रहा हूं, बहुत बात कर रही है, जा रही यहां से। क्या क्या क्या? अगर लैम्बोर्गिनी ठुकी तो भाई मेरा बिजनेस एकदम बंद हो जाएगा, पता तेरे को? एकदम से नहीं ठुकी भाई। और ब्रो लैम्बोर्गिनीज जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ऑर्डर करके रखी है, तो हमें टाइम पर डिलीवरी करनी है। यस तो हाँ, वो रही लैम्बोर्गिनी, वो रही भाई पीली वाली लैम्बोर्गिनी। और लैम्बोर्गिनी के ऊपर तूने तीर मारने की कोशिश की? नहीं भाई, मिस हो गया। तो सबसे पहली लैम्बोर्गिनी आ रही है, ये पीली वाली लैम्बोर्गिनी, इसकी पेमेंट एकदम सब कुछ हो चुकी है। पहले मैं देख लेता हूँ, ये एकदम से सही बिल्ट है ना, ठीक है? हाँ, एकदम कस्टमाइज्ड है। रेडी और नाइस, क्या बात है, उसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा, मतलब ये लैम्बोर्गिनी एकदम परफेक्ट है भाई। अभी प्लीज, ओके अभी सीरियस है, ये लैम्बोर्गिनी बड़े यूट्यूबर की है, तो हमें इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं डालना पूरा। उसने स्पेशली येलो कलर की लैम्बोर्गिनी बोला था, और ये सारी रेडी है। और तेरी जॉब है ये लैम्बोर्गिनी तूने डिलीवर करनी है, ठीक है ना? एकदम यूट्यूबर एडिशन वाली लैम्बोर्गिनी, नाइस। ओके तो ये स्पेशल लैम्बोर्गिनी है, इसका नाम है लैम्बोर्गिनी सियान, ठीक है ना? ओके। और ये टेक्नो भाई की है, तो फटाफट पहाड़ के ऊपर वेट कर रहे हैं, जल्दी कर वहाँ पे देख के आ जा क्विकली। अच्छा मैं जाता हूँ। और पैसे वैसे मत मांगियो, पैसे वैसे सारे मैं सॉर्ट कर चुका हूँ उनके साथ। सही है, वो मेरे को अपनी वीडियो में शाउट आउट देंगे। ये भी तोड़ो, जल्दी पीछे भाई, ऊपर जाएगा, आराम से लेके जाइयो सर जी। हाँ मैं एकदम होली होली लेकर जा रहा हूँ ये गाड़ी। बहुत तेरी भाई, वैसे तो ये बड़ी तेज गाड़ी है, और अभी तो मुझे पूरा पहाड़ चढ़ना है यार। तो गाइस चपाती भाई ने बोला था कि टेक्नो भाई एकदम पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, लेकिन मुझे तो दिख ही नहीं रहे हैं भाई दूर दूर। ये सामने कौन खड़ा है भाई? ओरे ये तो टेक्नो गेमर है भाई। ओ हेलो, हाँ मैं आ गया सर जी, आ गया मैं। तो ये रही आपकी लैम्बोर्गिनी एकदम खतरनाक वाली। हाँ और पैसे की टेंशन मत लो, मुझे पता है चपाती भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और अभी आप मजे करो भाई अपनी लैम्बोर्गिनी में, और मैं चलता हूँ, ठीक है? ओरे भाई साहब यार, मैं तो एकदम से थक गया, और मैं वापस आ गया। हेलो कौन आ रहा है यहाँ पर? मैं वापस आ गया भाई, मैं एकदम से टेक्नो भाई को मैं गाड़ी देकर आ चुका हूँ। सीरियसली? हाँ उन्होंने कहा उन्होंने मेरे बारे में? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो कहा होगा भाई, कुछ तो कहा होगा। आई थिंक उनका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा होगा। पहली डिलीवरी करने के लिए मैं आपको दूंगा पूरे 10 डायमंड। मैं सारा मटन के ऊपर खर्च करूंगा।
करूंगा भाई तेरी मर्जी, तो बिन में फेंकना है जो खटना तेरी मर्जी। और अभी रेडी हो जाइए सर जी दूसरी डिलीवरी के लिए। और क्या मेरे को गाड़ी कस्टमाइज करनी है तो मुझे बोल के रखा था क्राफ्टिंग पड़ा हुआ है तो मुझे यहाँ पर स्प्रे कैन रखना है साथ में रखना है डाई। पेट्रोल पंप आउट ऑफ ऑर्डर कैसे हो गया? नहीं है वो मैंने ऐसे करके रखा है ताकि कस्टमर्स को पता लगे कि यहाँ पर और जॉब्स मैं नहीं ले रहा। भाई इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स आ रही है पहले मुझे वो करनी है। तो लीजिए सबसे पहले गाड़ी का रंग कर दो। ओके यार ये मिथपात की गाड़ी है, उसने मेरे को बोल कर रखा था कि यार मेरी गाड़ी का रंग बिल्कुल मेरे लोगो की तरह कर दियो। ये तो ब्लू हो गई भाई, पर्पल करनी थी। वो एकदम बढ़िया अभी लग रही है ना भाई मिथपाट भाई की गाड़ी। मिथपाट भाई पूरे दूसरे कैसल के पास खड़े हैं तो आराम से उनको गाड़ी देके आ पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर और पैसे वगैरह कुछ नहीं लेने, एक बार फिर से बात हो चुकी है वो मेरे को शाउट आउट दे दिया। तो गाइस अभी मुझे एकदम से मिथपाट भाई को गाड़ी देनी है और मुझे लगता है टेक्नो भाई भी अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठकर चले गए हैं। और नाइस क्या बात है। और अरे बाप रे भाई सामने तो एकदम से नदी आ गई भाई। ओके तो मैं नदी एकदम से मिथपाट भाई की गाड़ी में नाइस एकदम से मैंने क्रॉस कर दी भाई। ये तो बड़ी खतरनाक वाली गाड़ी है। और आई थिंक मिथपाट भाई हाँ वो रहे। हेलो मिथपाट भाई कैसे हो भाई? मैं आ चुका हूँ एकदम आपकी गाड़ी लेकर ब्रांड न्यू वाली नाइस। और मैंने आई थिंक पैसे तो मैंने आपसे नहीं लेने हैं ना। और अभी आप भाई एकदम से एंजॉय करिए अपनी नई वाली गाड़ी में, वैसे मस्त लग रही है यार। और यार ये डिलीवरी तो बहुत ज्यादा ही दूर थी यार, मैं कब से भाग रहा हूँ। ओके मैं वापस आ चुका हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? नया ऑर्डर आया भाई, आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आज किस क्वार्टर आया भाई? अभी किस क्वार्टर आया? अज्जू भाई की डिलीवरी सेट करनी है। ओ अज्जू भाई की डिलीवरी भाई साहब, ये जट्स की कहते हैं क्वाड बाइक कहते हैं, ये मंगा के रखी है। और उन्होंने बोला कि पीछे ये टैंकर भी लगा के रखना है। ये कॉग व्हील कैसे घूम रहा है? फिर से आगे करना। इसे कॉग व्हील घूम रहा है? हां हां ये देखो भाई टेक्नोलॉजी अब टेक्नोलॉजी है। और अभी सर जी आपकी ड्यूटी ये है कि आपने उनके लिए एक जेट्स की क्राफ्ट करनी है। मैं आपको मटेरियल देता रहूंगा ठीक है ना? अच्छा सही है। कैसे होती है भाई जेट्स की क्राफ्ट? वहां पर ऑप्शन होगा। मैं यहां पर ये एटीवी सारा मटेरियल मेरे पास, आप टेंशन मत कीजिए मटेरियल की। 64 आयरन इंगट्स भी मुझे चाहिए भाई। 64 आयरन इंगट्स मैंने आपको दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैनल भी आपको चाहिए। और रुको मैं अज्जू भाई के लिए मोटे वाले खतरनाक डायमंड वाली इंजन लगाना भाई, डायमंड वाली के लिए पूरा हैवी ड्यूटी वाला इंजन सेलेक्ट करता हूं। कौन सा इंजन लगा? यहां पर इंजन बहुत सारे लगे हुए हैं। हमें चाहिए स्मॉल इंजन, मीडियम साइज इंजन उनके लिए ठीक रहेगा। नहीं भाई एटीवी में स्मॉल इंजन लगता है। ओके तो स्मॉल इंजन ले लो और मैं खतरनाक वाले ऑफ रोडिंग टायर लेके आता हूँ भाई, वो भी एकदम से देख के टोटली हैरान हो जाएंगे। ये तो लार्ज इंजन है, आई थिंक स्मॉल वाले इंजन। अरे भाई साहब इनके पास तो कितने सारे डायमंड वाले इंजन है भाई। टायर भी लेके आ ये वाले उठा लेता हूँ भाई, मेरे पास एकदम से डायमंड वाली इंजन आ चुकी है। ये है चार ऑफ रोडिंग वाले द मोस्ट एक्सपेंसिव टायर्स, तो लगा दे इसके ऊपर। यहाँ पर लगा देता हूँ तो मुझे इंजन रखना है यहाँ पर और टायर कहाँ गए मैंने एकदम से यहाँ पर रख देने हैं भाई। और अभी मैं क्लिक करता हूँ क्राफ्ट और मुझे मिल चुका है भाई। ओके इनकी गाड़ी का रंग कौन सा करना है? इनकी गाड़ी का रंग भाई मैं सोच रहा हूँ ब्लू करते हैं भाई, ब्लू वाला। ओके तो इसकी गाड़ी का नहीं लाइट ब्लू एकदम बढ़िया रहेगा। ओ माय गॉड काम करते हैं, डाई रखते हैं यहाँ पर, स्प्रे कैन रखते हैं यहाँ पर। और लीजिए स्प्रे कैन एकदम से रेडी है। गाड़ी कहाँ पर है? वो रही भाई वहाँ पर क्रेट सामने बार खड़ा है। खोलिए ना मामू। हाँ एक मिनट खोलता हूँ, मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं रेंच लेकर आ रहा हूँ भाई। और मैंने खोल दी भाई, खुल दे। ओके खुल गई ना और फटेगी भाई। और अभी इसमें पेट्रोल कौन डालेगा? पेट्रोल में डालता हूँ, तो एक काम कर मैं पेट्रोल बड़ा जाके ले। अच्छा मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ। जो इसका जो बर्तन है मैं वो भी थोड़ा बहुत मैं डाई कर लेता हूँ। आप डाई करो भाई। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर पेट्रोल डालना है। और नाइस भाई पूरा पीपा ही खाली हो गया, तो एक काम करता हूँ ये खाली पीपा मैं चपाती भाई को दे देता हूँ। ये लो भाई सारा पेट्रोल तूने खा लिया, एकदम खाली वाला पेट्रोल। ये ले ब्रो ये पीछे वाला स्कूटर भी थोड़ा बहुत डाई कर दे। ऑरेंज आई थिंक ऑरेंज ब्लू का कॉम्बिनेशन एकदम खतरनाक लगेगा। अरे क्या बात है, अभी दोनों को जोड़ दे और अज्जू भाई को जाकर डिलीवरी दे के आ जा। अज्जू भाई मुझे कहाँ मिलेंगे? और पता है क्या, अज्जू भाई तो अपने घर के अंदर बैठे हैं, घर के बाहर वेट कर रहे होंगे। फटाफट से जाके देखिए जल्दी कर पहाड़ी वाले रास्ते। और एक बार फिर से पैसे मत लियो क्योंकि तेरे को पता है फंडा अपना। समझ गया। ओके यार तो मैं एकदम से गाइस सिटी के अंदर से जा रहा हूँ और मुझे अज्जू भाई अरे भाई अज्जू भाई एकदम से सामने खड़े हैं भाई, चपाती भाई के घर के बाहर खड़े हैं। और हेलो अज्जू भाई कैसे हो भाई? तो एक काम कर दो गाइस मैं अज्जू भाई की गाड़ी एकदम से यहीं पे खड़ी कर देता हूँ। और नाइस भाई मुझे लगता है ये कब से यहीं पे बाहर खड़े हैं यार। आई थिंक चपाती भाई का घर लॉक था, तो मैं सबसे पहले चपाती भाई का घर यहाँ से खोल देता हूँ। और अज्जू भाई अभी आप एकदम से चपाती भाई के घर के अंदर आराम से वेट कर सकते हैं। और नाइस भाई मैं एकदम से आ गया। और ये आपने सही नहीं किया, आपको पता है क्या कर रहे हैं भाई आप? मैं बात खराब करता हूं, काम करो अपना। मैं जब वहां पर पहुंचा तो अज्जू भाई ने मुझे बताया कि वो एकदम से पीछे होना। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कब से ठंड में बाहर खड़े हैं भाई। आपने अपना घर लॉक कर दिया था। ओके ओके सॉरी। एक मिनट फोन आ रहा है। हेलो। हाँ कौन है? हेलो तेरे से थोड़ी बात कर रहा हूँ, चुप कर। हेलो हाँ जी हाँ। अरे कौन बोल रहा है? मैं आवाज से नहीं पहचान पा रहा मैं आपको यार। ओ
और निश्चय भाई अभी कहीं से हो? निश्चय भाई का फोन है। सुनाइए क्या चक्कर है भाई, एकदम बढ़िया है ना? क्या बाहर भाग गए? थोड़ा बहुत नेटवर्क नहीं आ रहा निश्चय भाई, मैं थोड़ा बहुत दूर जाके फोन करता हूँ। बोलिए, यहाँ पर रेडस्टोन ब्लॉक है, पड़ी चुप कर। हाँ बोलिए। नहीं आपको चुप करने के लिए नहीं कह रहा, एक गधा यहाँ पे घूम रहा है गैरेज के पास, उसका बोल रहा हूँ। हाँ आप सुनाइए, एकदम बढ़िया चल रहा है। क्या चाहिए? प्लेन चाहिए? प्लेन? व्हाट प्लेन? आपको प्लेन चाहिए? हाँ हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। व्हाट गाइस, निश्चय भाई को प्लेन चाहिए भाई। पेमेंट की क्या टेंशन करनी है आपको? कोई बात नहीं यार, घर का बिजनेस कर लेंगे, आप टेंशन मत करो। कितने दो भेजूं? अच्छा एक ही चाहिए। हाँ बस 10 मिनट जी, अब खड़े काम पर हो। ओके ओके बस अभी आने वाला है, मेरी बात सुन ले। हाँ, क्या हुआ? अभी बड़ा ऑर्डर आया, निश्चय भाई को प्लेन चाहिए, ठीक है ना? और वो थोड़ा बहुत दूर खड़े हैं, तो प्लेन क्रैश नहीं होना चाहिए। वो खड़े हैं पास वाले गांव के अंदर, okay. और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि उनको पिंक कलर का प्लेन चाहिए। पिंक तो कलर का, okay. मेरा प्लेन का जहाँ पर रेडी है, तो एक काम करते हैं, स्प्रे का नहीं मेरे पास रहती तो एयरपोर्ट का कब बन गया भाई? मत खराब कर मेरा घर। और एक और बात, मैंने जब मिसपाट भाई और अज्जू भाई को जो डिलीवरी दी थी उसका पेमेंट कहाँ पर है? कोई बात नहीं, बात नहीं करते हैं, एक काम कर। पेमेंट को छोड़ना, पहले हमें सबसे पहले ये प्लेन डिलीवर करना है। लेट्स गो लॉगी। अबे रुक जा, तेल तो डाल ले। आप डालो भाई, आप डालो। मैं इंजन सब चेक कर रहा हूँ भाई। अबे ध्यान से चलाइए, प्लेन बहुत महंगा है और वो खड़े हैं पास वाले गांव के अंदर। मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आराम से डिलीवरी देख के आइयो, ठीक है? मैं एकदम होली होली जाऊंगा। पैसे मत मांगियो। अच्छा फिर से? ओके गाइस, अभी मुझे एकदम से निश्चय भाई को मैंने एकदम से प्लेन गिफ्ट करना है भाई। और कहां पर है भाई निश्चय भाई, कहां पर है? आई थिंक वो रहे, आई थिंक निश्चय भाई वो सामने ही खड़े हैं, और मैं एकदम से उसके सामने यहाँ पर लैंडिंग कर देता हूँ। और नाइस, हेलो निश्चय भाई, कैसे हो भाई? लाइव इंसान यहाँ। ये एकदम से भाई आपका नया पिंक वाला प्लेन है, ये उड़ कैसे रहा है भाई? हाँ तो मैंने आपके लिए एकदम फ्यूचरिस्टिक वाला प्लेन लेकर आया हूँ भाई, मस्त है ना? हाँ थैंक यू, थैंक यू। और अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? काम करता हूँ, मैं निश्चय भाई को अपना एक डायमंड दे देता हूँ, तो आप डायमंड भी रखिए भाई, और मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? और नाइस गाइस, मैं एकदम से आ गया भाई, मैं कब से भाग दौड़ करके आ रहा हूँ और मैं आ गया। हेलो, क्या बात है भाई, आज के सारे कस्टमर्स एकदम खुश हो चुके हैं भाई। क्या बात है यार, और मैंने तो इनको एकदम से डायमंड भी दिया भाई अपना। ज्यादा मच मत करियो, ठीक है? अभी देखते हैं इसके डायमंड कितने बनते हैं भाई, कितने? अरे 63 डायमंड। मतलब को एक और डायमंड दे दो ताकि तेरा पूरा स्टैक हो जाए। ये ले भाई, मैंने एक डायमंड सब की तरफ से टिप। नाइस, क्या बात है यार। तो गाइस मैंने एकदम से 64 डायमंड कमा लिए। नाइस, क्या बात है यार। और चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना काफी। होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।